ये काले बेरोजगार नल्ले सारे छपरी भीख मांगे यार तेरा बिहार के देव सो भले जो कि हारे के देव सो भले जो कि हारे के देव सो भले जो कि हारे। कैसा बन रहा है मां सरस्वती जी? बहुत अच्छा बन रहा है ना। क्या कहना चाहते हो आप इसके बारे में? मैं बोली थी यादाश्त सब पूछ गई हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसा आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया, एकदम मस्त है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं मंदिर के लिए। दरअसल आज है बैसाखी का पर्व, तो सबसे पहले आप सभी को बैसाखी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। बैसाखी पर्व यानी बैसाख का आगमन, बैसाख महीने का आगमन। तो आज से बैसाख महीने का आगमन हो चुका है। और हमारे इधर ये बैसाखी का जो ये पर्व है, इसको बोलते हैं हरियाली त्यौहार, यानी हरियाली का त्यौहार। तो ये जो मेरे हाथ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये है हरियाली। आप लोगों को अभी ढंग से दिखाऊंगा घर जा करके। अभी ये थैले में पैक है, बाकी बैग में भी है। अभी मैं मंदिर जा रहा हूँ, जो भी मंदिर है हमारे गांव में, सब मंदिर में ये चढ़ेगा। और उसके बाद दिन में एक प्रोग्राम होने वाला है ये बैसाखी पर्व का, मतलब सारे गाँव वाले जो मंदिर है वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और अपने अपने घर से एक एक हरियाली ले करके आते हैं। तो वहाँ पे सारे इकट्ठा होता है। उसके बाद जो झुमेलो नृत्य है, उनके चारों ओर घूम करके झुमेलो नृत्य किया जाता है। और इस तरह से जो बैसाखी का पर्व है, इसका स्वागत होता है। ठीक है, जय पांडव महाराज। तो चलो दोस्तों, हरियाली चढ़ेगी पांडव से। ये हमारा पांडव का मंदिर, और यहाँ पे चढ़ाएंगे हम हरियाली। जय प्रभु। नमस्कार बुबू, नमस्कार। कहाँ है आपके चरण पादुका? क्या हाल चाल? क्या स्वास्थ्य खराब है? क्या स्वास्थ्य खराब है? और तब कमी चलने त्यौहार है, ये फ्री तभी आते भी आई को ओ बेठे, ओ स्मार्टी ब्रो, ये बहुत स्मार्ट लाउड यार। तो क्या बात चो है, क्या बात है? मुंह धोर के तूने आज मैं मुल्कों का तितरू ब्रो, आगे मैं उड़ूंगा ब्रो। जय प्रभु, जय दानी देवता, जय प्रभु। कब आए भाई तू? मार्क्सम बोल, ये क्या बात है यार। ये देखो दोस्तों, हमारे यहाँ आते ही यहाँ पूजा पाठ हो गया यार। आज हमारा जो आज्ञा हो गया वो ऐसे रह गया। भाई बोल नहीं सकते भाई, जा रहा हूँ बोल करके मैं। अरे यार मांगो प्रसाद, अभी आ रहा है। बस मेरा चढ़ गया, कोई बात नहीं। प्रसाद है क्यों कागजी? ये काले बेरोजगार नल्ले सारे छपरी भीख मांगे, गजब बेइज्जती है यार यार। ये 9-10 बजे का टाइम है देवता पूछने का, और आज इन्होंने बहुत जल्दी पूछ दिया। ये सीधे पुजारी जी से बात कर सकते हैं? पुजारी जी से बात क्यों कर, हम बारी से बात करेंगे भाई, जो फटाफट बना रहे हैं। अब हम पुजारी बनने वाले हैं दोस्तों, बहुत जल्द। अब हमारा चुनाव होगा एक दिन, दिव्यांशु, शैलेश भाई, मैं, दुर्गेश भाई, सतु भाई, हम सब में एक चुनाव होगा। अब उनमें से 2-3 पुजारी बनेंगे, 2-3 नले एक बनेगा सिद्धू का है। अभी 12 बज चुका है दिन का, और जो बैसाखी पर होगा जो त्योहार है उसका प्रसाद ही बन चुका है। हम यहाँ पे खाने के लिए आ गए। बाकी हरे दिखा दी थी मैंने आपको, कुछ हरे यहाँ पे है, और संदूक दिखा है सगुन में जाए। ये है दोस्तों जो ये हरियाली है, हमने इस बक्से में उगाई है। अब ये जाएगी सीधे नीचे जाग देवता के मंदिर में। ये थोड़ी देर में जो ये बैसाखी का जो त्योहार है, जो हरियाली का त्योहार है, वो होगा वहाँ पे ले आएंगे आप लोगों को। ठीक है, सोला सो के बारा था।
रहना चाहिए दोस्तों। ये आनंद भाई जैसा लग रहा है क्या? दिल्ली वाला भाई मेरे को तो बिल्कुल नहीं लग रहा। दो भाई जैसा मैं बिल्कुल नहीं लग रहा हूँ। पर आनंद भाई का ना फेवरेट यार दिवांशु भाई। आनंद भाई को और अब याद आ रही हो ना आ रही हो लेकिन दिवांशु को बहुत याद आ रही हो। फोन आते रहो करेंगे आज शाम को करेंगे। अरे बताया भाई जब हमारी वीडियो देखते रहते हैं चलो दोस्तों अभी आनंद भाई से माँ की बात कराते हैं ठीक है। ये देखो दोस्तों थोड़ा इसको बंद कर रहा है इंसान को देखो भाई कैसा सो रहा है ये। अरे भाई चला रहे तोड़नी उन। ये देखो दोस्तों माँ रेडी हो चुकी है अब हम लोग निकलने वाले हैं। अब हम भी फटाफट मुंह धोएंगे और हम भी निकलेंगे हरे तोड़ने के लिए क्योंकि 3 बज चुका है 3:30 हो चुका है और अभी तक लोग नीचे आए नहीं है तो हम जाएंगे पहले क्या पता रास्ते में हमको लोग मिलेंगे तो हम सही टाइम पे पहुंचेंगे। पिन को यार मैं पिन पर्स इधर ही थे मेरे जगह गए हुए माँ की कसम पिन थे मैं दादी मामा आएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग रेडी हो करके रेडी क्या होना यार हमने मुंह धो दिया हमारे लिए वही रेडी है बाकी हमारा जो लुक है हमारा जो गेटअप है वो हमेशा एक जैसा रहता है लेकिन थोड़ा अभी आप लोगों को अलग दिख रहा हूँ क्योंकि मैंने चश्मा पहना है और इस भाई को लग रहा है कि ये हीरोपंथी कर रहे हैं हीरोगिरी कर रहे हैं इसलिए चश्मा पहन रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चल झूठा ये दरअसल है क्या कि आंख में मेरा थोड़ा दर्द हो रहा है सुबह से वो पेंटिंग करते करते ना वो आउटलाइन बनाते बनाते आंखों में थोड़ा दर्द हो रहा है तो थोड़ा वो रोशनी कम करने के लिए मैंने चश्मा लगा रखा वो भी काले कलर का। क्या बोला तूने? वो भी काले कलर का इसलिए हम कल आए बिता है तो इसलिए लगा रहा हूँ भाई दोस्तों नहीं रहता तो कहाँ से लगाता। काले कलर के चश्मे बोल खुद काला है तो काले बोलना जरूरत नहीं। पंगू बाबा देख ओ पंगू अब बोल क्या कहना चाहेगा भाई जिसके पास है वो लगाएगा क्यों पंकु भाई अब इसमें हीरो बनने वाली बात नहीं है इसमें कुछ नहीं है हमारे पास है इसलिए हम लगा रहे हैं। वीर भाई तुम भी पहनो भाई चश्मा देख तेल भी लगे चश्मा और बता तेल भी लगे चश्मा और बता और बता सीधा बोलना तू गरीब है सीधा बोल मैं गरीब हूँ बोल अरे सीधे बोल मैं गरीब हूँ मैं गरीब हूँ बोलना ये जोशीमठ के लिए ये जैकेट जोशीमठ के लिए कैमरा मैं बंद क्यों करो भाई तू कौन होता है मेरे को कैमरा बंद कर बोलने वाला है बता तू अभी नहीं समझा सुपरवाइजर। तो चलो दोस्तों अब देखो चार तो यहीं पे हो गए चार ऐसे बीच में होंगे चार ऐसे होंगे 40-50 इकट्ठे करने हमने 40-50 तो जो यार लाऊंगे तो देखो आएंगे लोग यार जरूर आएंगे थोड़ा हल्का एक बार शामिल होने जरूर आएंगे और छपरी बिग यूनियन होते माँ की कसम से लगाई जय हो अपने मगर तो दौड़ मगर तो। चलो दोस्तों झुमेलो नृत्य के साथ जो बैसाखी जो पर्व है वो संपन्न हो चुका है और अभी ये देखो अभी हरियाली टूट रही है इसके बाद सब लोग घर निकल जाएंगे। ये देखो पंकु भाई हमको भी ले आओ ना थोड़ा सा प्रसाद के तौर पे ये प्रसाद है दोस्तों लास्ट में जो
बैसाखी त्योहार का जो प्रसाद है वो ये है, बाकी ये देख लो इस तरह का माहौल। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। ये देखो दोस्तों ये प्रसाद है और आपको भी हम ये प्रसाद दिलवाएंगे, ठीक है। प्रसाद आप लो, आपके लिए बचा के रखेंगे। ये देख लो, ये हमारे गांव की जनता। वैसे सारे लोग मतलब पूरे लोग नहीं आए गांव के, लेकिन बहुत है यार, इतने भी बहुत है, सोचा नहीं था कि इतने लोग भी आएंगे। बाकी बढ़िया है। निकालो 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 ना तुम वहां से, साफ हसी है, तोड़ तोड़। कैसा बन रहा माँ सरस्वती जी? बहुत अच्छा बन रहा है ना। क्या कहना चाहते हो आप इसके बारे में? मैं बोली यादाश्त सब कुछ गई, इसीलिए तो जेब हुआ तो बेसान करिया वास्ता तो मतलब बहुत बढ़िया। हाँ यार दोस्तों एक तरफ से तारीफ कर रही है, एक तरफ से बेइज्जती भी कर रही है। अरे बेइज्जती के मतलब और कुछ तो जो यादाश्त हो गई पर भगवान सारी तरफ भी नहीं मानते कुछ न कुछ। माँ का ये मोटिवेशन मुझे बचा के रख रहा है, नहीं तो मैं कब का चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने की? लेकिन इस छपरी इस भीख मंगे इस नल्ले को देखिए यार, भीख मंगी था मतलब कितने दिन आए भीख मांगने। दोस्तों पिछले सच्ची में 1.5-2 घंटे से यहाँ फ्री फायर खेल रहा है और घर जाने का नाम नहीं ले रहा। ये शायद अपने यहाँ से खा के आए हो ना खा के आए हो, मैंने यहाँ पे अपने यहाँ पे कहा इसको खाने के लिए, ज्यादा जबरदस्ती भी मैंने करा नहीं, एक दो बार बोला इसने पट के मना कर दिया था, ठीक है, तो मैंने ज्यादा बोला भी नहीं, मुझे लगा खा के आ जाओगे। लेकिन ये अपने यहाँ भी नहीं जा रहा है और मेरे यहाँ पे तो सोने की जगह भी नहीं है दो आदमियों की। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। तुम गरीब, मुझे लग रहा है आज ये, मुझे लग रहा है आज यहाँ पे सोफाई पे सोना चाहते हैं। अब तुम गरीब है, तुम नल्ले है, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है। हम गरीब तो है क्या? हाँ ठीक है ठीक है। तो चलो दोस्तों अभी आप लोगों को थोड़ा सा अपना ये दिखाते हैं कितना हमारे कंप्लीट हुआ है। वैसे आज ना दिन भर में थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहा है, क्योंकि सुबह जैसे हम उठे उसके बाद सबसे पहले मंदिर गए थे, थोड़ा बहुत मंदिर में समय बिताया, उसके बाद हल्का फुल्का ये बनाया और फिर आप लोगों ने देखा होगा जो बैसाखी का पर्व था वो सेलिब्रेट करने के लिए हम नीचे गए हुए थे, तो कम समय हमको मिल पाए, लेकिन जितना भी समय मिला उतने समय में हमने ये देखो माँ सरस्वती जी का जो आउटलाइन है, जो जिसको बनाने में मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम और सबसे आफत आनी थी वो चीज़ अभी हम कर चुके हैं, लगभग लगभग थोड़ा सा बचा है। ये देखो फेस से लेकर के और ये नीचे देखो यहाँ तक लगभग लगभग हो चुका है, थोड़ा सा यहाँ पे है और हल्की फुल्की डिटेलिंग वगैरह है हाथों में, और हाथों की जो कंगन चूड़ियाँ वगैरह है उनमें थोड़ा डिटेलिंग है, और जो ज्वेलरी वगैरह है उनमें सबसे ज्यादा रहती है डिटेलिंग। मेहनत करते रहे भाई, ऐसे आगे बढ़ते रहे और जीवन में कामयाब होते रहे, और आपकी हर मनोकामना सरस्वती माता की कृपा से पूर्ण होते रहे। बाकी देख रहे हो दोस्त, भगवान की कृपा से थोड़ा गोरा कर दे इस काले एडम को, काले काले एडम। ये तो नहीं होने वाला, क्यों भाई दोस्तों, बाकी सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो उसने ये लास्ट में जो ये चीज बोला ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एक काला आदमी कभी गोरा नहीं हो सकता है, और गोरा आदमी कभी गोरा आदमी काला हो सकता है, लेकिन काला आदमी गोरा नहीं हो सकता है। इसका रीजन है नेचुरल, क्या करे यार, भगवान ने बनाया ये, ऐसा हम इसमें क्या कर सकते हैं। नदी भाई दिल्कुल, दिल्कुल। तुम जितना भी बोलो गोरा तो हम होंगे नहीं, इसका कोई उपाय ही नहीं है। अब चमड़ी उधेड़ दूंगा वो अलग बात है, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है। तो चलो दोस्तों अभी देखता हूँ, वीडियो भी मैंने एडिट करना है और ऑलरेडी 9:30 बज चुका है, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर ही दूंगा, ये आउटलाइन है इसको भी कंप्लीट कर ही दूंगा, और उसके बाद कल से इस पर पेंट होगा, कल सुबह ही से हम इस पर पेंट लगना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वो भी आप लोगों को बताएंगे थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है, और फिलहाल मुझे लगता है इस ब्लॉग को यहीं पेंट कर देना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता है आप लोगों को किसी और नए मजेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। हम पीते अपनी चाय, टाटा।